गाजियाबाद में सिहानी गेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बदमाशों से कई हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं इस गैंग का सरगना मोंटी नाम का युवक बताया जा रहा है, जिसने ये गैंग अपने पुराने दुश्मन की हत्या करने के लिए बनाया था, लेकिन उसमें नाकाम होने के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देने लगा। वहीं हाल ही में इन बदमाशों ने एक डॉक्टर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लूटा हुआ सारा सामान बदमाशों से बरामद कर लिया है। ये थाना सिहानी गेट में 14 तारीख को एक लूट हुई थी एक डॉक्टर के यहाँ। उस संबंध में थाना सिहानी गेट की टीम को लगाया गया था, इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। इसी के क्रम में कुल 6 लोग पकड़े गए हैं। जो 14 तारीख को लूट हुई थी उससे संबंधित जो भी संपत्ति लूटी गई थी, जैसे कि गले की चेन थी और अंगूठी थी और मोबाइल फोन थे, ये सब के सब रिकवर हो गए। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनमें एक मोंटी करके लड़का है जो कि इस गैंग का सरगना है, उसने एक हत्या की प्लानिंग कर रखी थी। उसकी लड़ाई कॉलेज के दिनों से एक लड़के से चली आ रही थी और उसी के हत्या करने के लिए इन्होंने सबने असलहे इकट्ठे किए थे। इनके पास से 6 अलग अलग तरीके के अवैध असलहे, जैसे कि पिस्टल, रिवॉल्वर, तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं।